गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। बैठो। और सुनाओ कैसा ना, बहुत दिन में आया हो क्या? तो गुरु जी आपने पहले मुझे कुछ नियम बताए थे करने के लिए और मैंने वो किए, अपने मन से किए, गाय की मैंने पूजा की और साथ में जो जो आपने बताया था मैंने वो सब कुछ किया और वो सबका फायदा मेरे घर में हो गया है। मतलब सब कुछ बढ़िया होगा ना, जब उपाय बताया उसे आपको लाभ मिला नहीं मिला? बहुत बढ़िया हो गया गुरु जी। अब क्या समस्या है बता फिर गुरु जी। थोड़ी दो समस्या मेरी और हैं। क्या है? एक तो मेरा भाई है वो थोड़ा नशा करता है। भाई कौन? छोटा छोटा है? छोटा भाई, उससे छोटा है, वो नशा बहुत करता है। उससे हम परिवार वाले बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि वो नशा छोड़ता नहीं। जिसको नशा लग जाता है, किसी चीज़ का नशा करता है जो व्यक्ति, जी वो कैडा छोड़ता है भैया। तो गुरु जी इसका कुछ सोल्यूशन मुझे बताओ। और एक समस्या है गुरु जी और है कि मेरा बच्चा है छोटा, उसका पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। जिसके लिए तुम वो आपको डरता था पहले जो आए थे आप? जी जी महाराज वही। अब तो नहीं डरता बच्चा? बच्चा नहीं डरता है लेकिन उसको हम स्कूल भेजते हैं तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जाता नहीं है। ट्यूशन भेजते हैं तो ट्यूशन भी नहीं जाता है और उसके टीचर अध्यापक हैं वो भी सिखाते हैं करते हैं कि इस बच्चे से मतलब कुछ। उस बच्चे का पढ़ाई में दिमाग कमज़ोर है? दिमाग कमज़ोर। तो उस बच्चे का दिमाग विकसित हो और पढ़ाई में मन लगे ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। तो आपकी दो समस्या है, एक तो आपका छोटा भाई नशा करता है, उसका नशा करना छूट जाना चाहिए जी। और दूसरी समस्या आपकी है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है जी, दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है, यही समस्या है जी भाई, यही समस्या है। तो उपाय पहले वाले फ्री वाले चाहिए या फिर पैसा वाले? नहीं महाराज जी, वाले अभी भी मेरी समस्याएँ वही हैं और कंडीशन अभी भी है। हालांकि कर्जे से मैं निपट गया हूँ लेकिन इतनी मेरी अभी गुंजाइश नहीं है कि मैं थोड़े उसमें खर्चे कर लूँ। इसका मतलब तो पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो, सारा काम फॉर्म होने के बाद भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, मेरा कोई देखो आपके जरिए से आपके आशीर्वाद से कोई ऐसा टर्म आएगा तो मैं उसमें खर्चा भी करूँगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं यार। नहीं महाराज जी, फिर भी हम आपको उपाय बता देते हैं, घरेलू उपाय बताएंगे फिर भी आप। जी महाराज जी, जो आपका छोटा भाई नशा करता है और वो नशा नहीं छोड़ रहा है, खूब कोशिश कर ली आप। हाँ, इलाज भी करवा ली, कोशिश काफ़ी कर ली नशा। और तुमने अच्छा नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र भी हमने भेज दिया था तो वहाँ से लौटने के बाद उसने एक महीने बाद फिर स्टार्ट कर दिया है, वो अब भी नहीं है, मतलब बहुत परेशानी में। आप एक काम करिए, नियमित एक गिलास पानी लीजिए जी, उसे अच्छी तरह गरम करें और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच काला नमक डालें, एक चम्मच उसमें शहद डालें, असली शहद डालना जी, और उसे अच्छी तरह उबाल के जी नियमित कुछ दिनों तक अपने छोटे भाई को पिलाइए जो नशा करता है जी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है और इससे कई चमत्कार देखे हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी है, ये हमारा अनुभव है, देखा भी है, अजमाकर भी देखा है। तो यदि आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपका भाई कुछ दिनों में ही किसी भी तरह का चाहे वो नशा करता है उसको छोड़ देगा, सुधर जाएगा, वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। महाराज उसके लिए हम यही काम करेंगे। और रही दूसरी बात आपके बच्चे की, जो बच्चा आपका पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उसका दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है, होशियार नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? क्या करना है, सरसों का तेल लेना थोड़ा सा किसी कटोरी बर्तन में, उसमें सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें आप। सेंधा नमक? और सेंधा नमक अच्छी तरह उसे मिला के और अपने बच्चे के जो जो आपका बच्चा है उसके पैर के तलवों में, दोनों तलवों में धीरे धीरे मालिश करें, 10-5 मिनट डेली करें। अच्छा, सरसों के तेल में सेंधा नमक लगा करके और उसके मालिश करनी है मुझे बच्चे के तलवों के, पैरों के तलवों की मालिश करनी है 10-5 मिनट। यदि आप कुछ दिन ऐसा कर देते हैं तो निश्चय ही आपके बच्चे का दिमाग विकसित होगा, पढ़ाई में दिमाग तेज होगा, उसका पढ़ाई में अवश्य मन लगना शुरू हो जाएगा। बहुत घरेलू छोटा सा उपाय है,
छोटे छोटे उपाय हम तो ऐसे बताते हैं, इनसे लोगों का चमत्कार होता है, कल्याण होता है, तो आप इसे करिए, आपको लाभ मिलेगा पहले की तरह। नहीं महाराज जी, मुझे तो लगता है कि लाभ मिलेगा मिलेगा। जब पहले आपने हम आपके पास आए थे, कुछ दिन पहले मैं आया था, तो जो मुझे आपने नियम करने को बताए मैंने वो पूरे किए और मुझे फ़ायदा भी मिला। देखो फ़ायदा तो मिलता ही है, फ़ायदा वहाँ से नहीं मिलता जहाँ लोग आजकल 400 ईसी करते हैं, फेरी करते हैं, हमारा काम ये नहीं। हम तो जितना महाराज जी आपका हमने नाम सुना था और उसके जरिए से हम आपके पास आए थे। देखो नाम जो होता है वो ईमानदारी से होता है, और जो सटीक उपाय बताते हैं और पूरे उपयोग करे हुए बताते हैं तो उनमें लाभ मिलता है। और हम वही उपाय बताते हैं जिनसे जिनको हमने कुछ लोगों पर सिद्ध किया हो, यदि वो चमत्कार होता है, वो लाभकारी होते हैं, तो हम और व्यक्तियों को परेशान व्यक्ति को बताते हैं तो उनको लाभ मिलता है। यही हमारी सबसे बड़ी अच्छी सोच है और यही हमारी जो पहचान है, और इसीलिए लोगों को लाभ मिलता है। जी महाराज, तो फिर मैं महाराज जी निकलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरी बार भी देखो धन्यवाद की तो सुन लो, ये बात है कि हम जो व्यक्ति होते हैं जो दे समाज में कल्याण करते हैं, लोगों की समस्या को समाधान करते हैं, तो उसके लिए जो ईश्वर है ना, वो पल्ला वाला, वो किसी ना किसी को चुनता है, और हम सभी में से कोई ना कोई व्यक्ति उसका अपना होता है जो खड़ा करता है इंसान के दुखों को दूर करने के लिए। करवाने वाला वो है, करने वाले हम। नहीं महाराज जी, फिर भी धन्यवाद तो देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं मिलते तो शायद हम वो ज़्यादा गंभीर समस्या में और ज़्यादा फंसते चले जाते थे। ठीक है, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आपके आसपास कोई व्यक्ति परेशान हो, इनका समाधान ना हो पा रहा हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस बच्चे की शादी ना हो पा रही है, जिस बच्चे को सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी बिजनेस व्यापार में सफलता ना मिल पा रही है, घर में मंगल कार्य ना हो पा रहा हो, कर्ज नहीं उतर पा रहा हो, न जादू ब्लैक में से छुटकारा ना मिल पा रहा हो, या फिर पितृ दोष लगा हो, सर्प दोष हो, मंगलिक दोष हो, कोई भी जगह आपका खराब हो, हालांकि दोष कोई नहीं होता, योग होते हैं, चाहे गुरु जी को योग बताता है, कोई दोष बताता है, अब हम किस पर विश्वास करें। देखो दोष किसी में नहीं होता, सब योग होते हैं, अच्छे योग होते हैं, लेकिन उन पे जब बैठ के बात होगी तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से परेशान है तो वो जरूर एक बार हमसे मिले, आपका यार हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, उसे बताएं। नहीं गुरु जी, इस चीज़ को हम जरूर बताएंगे जब। ठीक है, तो आप इस उपाय करें, नाम मिलेगा आपको। ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है, और लेना, खुश रहना। ठीक है।